हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 23। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। राइट थ्री रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन दी टू गिवन नंबर्स। यहाँ पर हमें टू गिवन नंबर्स दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, टू गिवन नंबर्स। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, थ्री रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन, मतलब हमें क्या बताना है, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 एंड 6/7। देखो जो 2/7 है और 6/7 है, हमें ना इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। रैशनल नंबर्स लिखने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2 का डिनोमिनेटर 7 है और 6 का भी डिनोमिनेटर 7 है। तो डिनोमिनेटर क्या है इनका, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम रैशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। मतलब 2 और 6 इसके बीच के हमें नंबर्स लिखने हैं। 2/7 इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद आएगा 3/7, उसके बाद आएगा 4/7, उसके बाद आएगा 5/7, उसके बाद आएगा 6/7। तो 2/7 और 6/7 इसके बीच में कौन से नंबर है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 6/7 आर। इनके बीच के जो रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, 3/7, 4/7 एंड 5/7। जब भी आपको रैशनल नंबर्स लिखना हो डिनोमीटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमीटर सेम है तो हम उसका रैशनल नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, पहले डिनोमीटर सेम करना होगा, जिसको हमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो 4/5 और 2/3, हमें डिनोमीटर चेक करना है। तो इसके डिनोमीटर में 5 है और इसके डिनोमीटर में 3 है, दोनों का डिनोमीटर क्या है, डिफरेंट है। तो हमें रैशनल नंबर लिखना है, तो रैशनल नंबर लिखने से पहले इनका डिनोमीटर सेम होना चाहिए। तो देखो हमें क्या करना होगा, इनका डिनोमीटर पहले सेम करना होगा। अब इनका डिनोमीटर हम सेम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमीटर सेम हो जाएगा। देखो 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 4 3 12 एंड 5 3 15। वैसे ही जो सेकेंड नंबर है 2/3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या होगा, 2 5 10 एंड 3 5 15। तो हमारे जो दो नंबर्स आए हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा नंबर है, 12/15 और 10/15, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो देखो 10 और 12 के बीच में जो रैशनल नंबर्स आएगा कौन सा रहेगा, वो 11/15। इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर्स आ रहा है कौन सा, 11/15। सिर्फ एक ही रैशनल नंबर्स आ रहा है, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। देखो अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको हमें इंक्रीज करना होगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अभी देखो इंक्रीज कैसे करेंगे, हम जो इस नंबर है ना 12/15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स लिखने हैं, बट इन दोनों इन जो नंबर है इन नंबर के बीच में एक ही रैशनल नंबर्स आ रहा है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो अगर आप किसी भी नंबर को ना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, उसको हमें न्यूमेरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको पता होगा। तो 12 2 24 और 15 2 30। अब एक बात मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 लिया है। आप ना कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पर 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, एनी नंबर आप ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 ही लेना है। तो क्या आ गया, 24/13। फिर क्या करेंगे हम, 10/15 को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इस यहाँ पर हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें जो सेकेंड नंबर है ना उसको भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 10 2 20 और 15 2 30। तो जो हम हमारे नंबर्स आए हैं कौन से नंबर हैं, 24/30 और सेकेंड नंबर है 20/30। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गया है। और 20/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे कौन, 21/30, 22/30,
23 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30। देखो ये हमारे नंबर्स हैं, 20 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30। इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स कौन से हैं, 20 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 and 2/3। यहाँ पे देखो आपको ये नहीं लिखना है कि 20 अपॉन 30 और 40/30। यहाँ पे आपको जो पोजीशन दिया था ना 4/5 and 2/3 यही लिखना है। अब इनके रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, आर 21/30, 22/30, 23/30। ओके थर्ड क्वेश्चन है -2/3 and 4/5। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिनोमीटर देखना है। डिनोमीटर अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं उनका रैशनल नंबर, अगर नहीं है तो पहले हमें उसका डिनोमीटर सेम करना होगा। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, क्या आएगा -10, 5 3 15। सेकेंड नंबर कौन सा है, 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12 और 5 3 15। यहाँ पर देखो -10/15, ये एक नंबर आया और सेकेंड नंबर है 12/15, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये क्या है, ये माइनस में है, -10/15 और ये क्या है 12 प्लस में है। तो -10 के पहले जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर्स और 12 के पहले जो नंबर्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सब रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो -10/15 के पहले फिर कौन सा नंबर आएगा, -9/15, फिर आएगा -8/15, -7/15, -6/15, ऐसे ना -5/15, -4/15, -3/15, -2/15, इसके बाद क्या आएगा -1/15। देखो इसके बाद क्या आएगा, जीरो, और फिर जीरो के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर जो होंगे 1/15, 2/15, अब तो कहाँ तक जाएंगे, 12/15 तक। देखो 12/15, तो ये जो सब नंबर है ना, 10 -10/15 के पहले और 12/15 के पहले, ये सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो आप अपने मन से इनमें से कौन से भी 3 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आंसर में लिखूंगा द 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 4/5 आर 9/15, सेकेंड में लूँगा -7/15 एंड थर्ड लूँगा +5/15। नंबर्स लिखने, 3 रैशनल नंबर्स लिखने, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं तो आपको ओनली 3 लिखने हैं, तो आप इनमें से ना कौन से भी 3 लिख सकते हो। क्वेश्चन है 7/9 -5/9, इसके डिनोमीटर में 9 है और इसके डिनोमीटर में भी 9 है, तो दोनों का डिनोमीटर क्या है, सेम है, डिनोमीटर सेम है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, -5/9, तो -5/9 के पहले जो नंबर्स रहेंगे कौन कौन से रहेंगे नंबर्स, -4/9, -3/9, -2/9, -1/9, उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा। अब जीरो के बाद कौन से नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, तो देखो कौन 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, ये कहाँ तक जाएंगे, टोटल 7/9 तक। देखो 7/9 -5/9 टू 7/9 के बीच के सब हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, और हमें इसमें से कितने लिखने हैं, तो ओनली 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 and -5/9 आर 6/9, 0 and -4/9। तो क्या लिया मैंने, 7/9 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 6/9, और यहाँ पे देखो जीरो भी क्या है, इन
दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स हो जाएगा तो आप जीरो भी ले सकते हो एंड माइनस फोर अपॉन नाइन। क्वेश्चन फिफ्थ देखो, माइनस थ्री अपॉन फोर एंड प्लस फाइव अपॉन फोर। तो देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अभी माइनस थ्री अपॉन फोर, इसके पहले कौन से नंबर आएंगे, माइनस टू अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर जीरो, और प्लस फाइव अपॉन फोर के पहले कौन से नंबर आएंगे, फोर अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, ये सब नंबर आएंगे। तो हमें इसमें से किसने सिर्फ तीन नंबर्स ही लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस थ्री अपॉन फोर एंड प्लस फाइव अपॉन फोर आर वो माइनस टू अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर एंड थ्री अपॉन फोर। ये हो गया हमारा आंसर। सिक्स क्वेश्चन है, सेवन अपॉन एट माइनस फाइव अपॉन थ्री। ये जो नंबर है इनका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का क्या है, डिफरेंट है। इसके पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर है वो सेम करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेवन अपॉन एट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन एंड एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर। और जो सेकेंड नंबर है माइनस फाइव अपॉन थ्री, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एट से, एट फाइव ज़ा फोर्टी और थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर। जो हमारे दो नंबर हैं कौन से हैं, ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर और सेकेंड नंबर है माइनस फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या सेम हो गया है। फोर्टी अपॉन ट्वेंटी फोर के पहले कौन कौन से नंबर रहेंगे, माइनस थर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर, माइनस थर्टी एट अपॉन ट्वेंटी फोर, माइनस थर्टी सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, ये अप टू कहाँ तक रहेंगे, माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फोर तक। उसके बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। और फिर उसके बाद कौन सा नंबर स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। देखो वन अपॉन ट्वेंटी फोर, टू अपॉन ट्वेंटी फोर, थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर, ये अप टू कहाँ तक रहेंगे, ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर तक रहेंगे। देखो ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर, माइनस फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर, इनके बीच में जो ये नंबर्स हैं, ये सब नंबर, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। बट हमें इसमें ओनली थ्री रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन सेवन अपॉन एट एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री आर। तो आप देखो इनमें से कौन से भी तीन नंबर्स लिख सकते हो, माइनस थर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर, माइनस थर्टी सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर एंड इलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर। ये हो गया हमारा आंसर। सेवन क्वेश्चन है, फाइव अपॉन सेवन और सेकेंड नंबर है इलेवन अपॉन सेवन। आप देख सकते हो दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसके भी डिनोमिनेटर में सेवन है और इसके भी डिनोमिनेटर में सेवन है, फाइव अपॉन सेवन। फाइव अपॉन सेवन के बाद कौन सा नंबर आएगा, सिक्स अपॉन सेवन, सेवन अपॉन सेवन, एट अपॉन सेवन, नाइन अपॉन सेवन, टेन अपॉन सेवन और इलेवन अपॉन सेवन। नंबर्स हमें क्या दिए हैं, जो फाइव अपॉन सेवन और इलेवन अपॉन सेवन। तो देखो फाइव अपॉन सेवन और इलेवन अपॉन सेवन के बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे कौन कौन से हो जाएंगे, सिक्स अपॉन सेवन हो जाएगा, सेवन अपॉन सेवन, एट अपॉन सेवन, नाइन अपॉन सेवन, टेन अपॉन सेवन, ये सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और इसमें से हमें बस कितने लिखने, थ्री रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन फाइव अपॉन सेवन एंड इलेवन अपॉन सेवन आर। तो सिक्स अपॉन सेवन, एट अपॉन सेवन एंड नाइन अपॉन सेवन। एट क्वेश्चन है, जीरो एंड माइनस थ्री अपॉन फोर। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, जीरो है बट इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है अगर किसी भी नंबर के डिनोमीटर में कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, वंस कंसीडर करते हैं। तो जीरो के नीचे जो नंबर होगा क्या होगा, वन होगा। और जो सेकेंड नंबर होगा क्या है, माइनस थ्री अपॉन फोर। ये हमारे दो नंबर हो गए। और आप देखो तो इसके डिनोमीटर में वन है और इसके डिनोमीटर में फोर है, डिनोमीटर भी डिफरेंट है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका डिनोमीटर सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो जीरो अपॉन वन,
इसको ना हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -3/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 0 8 जा, मतलब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या आता है ऑलवेज 0 आता है। और 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 -6 एंड 4 2 जा 8। यहाँ पे हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया वो नंबर कौन सा है, 0/8 एंड -6/8। अब इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर भी सेम है तो रैशनल नंबर्स लिखेंगे। देखो अभी 6/8, इसके पहले कौन कौन से नंबर आएंगे क्योंकि ये माइनस में, तो इसके पहले कौन कौन से नंबर आएंगे, -5/8, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, और जो लास्ट नंबर ये क्या है, 0/8। तो -6/8 और 0/8 इनके बीच में जो नंबर्स है, ये नंबर ये क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -3/4 आर। आप देखो क्या लिख लो, -5/8 एक नंबर लिख लो, -3/8 एंड थर्ड नंबर लिख लो आप -2/8।